नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो के स्ट्रीम में। मैं हूं आपका दोस्त अवन सारा और लेके आया हूं आज आपके लिए ऑटो तड़का, जिसके अंदर मैं बात करूंगा ऑटोमोबाइल्स की। तो आशा करता हूं आज का आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पता लगा लेते हैं आज के इस ऑटो तड़का वीडियो के बारे में। और यहाँ पर आप जानते हैं हर संडे को हम ये वीडियो लेके आते हैं। अभी कुछ समय से आपके लिए लेके नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। यहाँ पे बात करें आज क्या लेके आए हैं, तो यहाँ पे राज्यसभा से पास हुआ है मोटर व्हीकल अधिनियम 2019। इसके तहत यहाँ पे जो रोड सेफ्टी है उसे इम्प्रूव किया है और बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे निकल के आए हैं। यहाँ पे बात करें क्या क्या चीजें देखने मिली है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रैफिक ऑफेंस करते हैं यानी कोई भी कानून तोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो फाइन है उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ये फाइन देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप फाइन देखेंगे तो पहले से इंक्रीज हो गए हैं, और यहां पर अगर आप एक भी कानून तोड़ते हैं तो आपको यहां इतना जुर्माना देना होगा। तो हमारे को तो ये बहुत अच्छा लगा है। आप बताइए क्या सोचते हैं, कि आपको ये पेनल्टी पसंद आई कि नहीं आई। यहां पर बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं और आप मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ ना पुलिस वाले ना डॉक्टर वाले आपको परेशान करेंगे, आप इजिली उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें अगली चीज की, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट किया है। यहाँ पे 50,000 से अब 5 लाख तक का इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ पर अगर आपको हिट एंड रन केस के अंदर इंजरी होती है, बहुत गहरी इंजरी होती है, तो यहाँ 12,500 आपको पहले मिलते थे, अब आपको मिलेंगे 50,000। यहाँ पर अगर आपकी डेथ हो जाती है यानी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको 25,000 से अब 2 लाख यहाँ पे मिलेंगे इंश्योरेंस के अंदर। तो आप देखेंगे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से इंप्रूव कर दिया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं अगली चीज की, तो ये आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस से, और ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर अब आधार कार्ड जरूरी है। यहाँ पे साथ ही साथ अब कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तो आपको पहले टेस्टिंग करनी होगी कंप्यूटर पे, और उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आप ड्राइविंग के अंदर अच्छे नहीं हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये एक और इंक्रीमेंट किया गया है। यहाँ पे व्हीकल रिकॉल सेंट्रल गवर्नमेंट अब कर सकती है, तो अगर कोई भी इशू पाई जाती है जिसके कारण एनवायरनमेंट को या आपको या फिर आसपास लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी गाड़ियों को ये रिकॉल कर सकती है, और यहाँ पे कंपनी को या तो फुल पैसे देने होंगे या फिर आपको बेहतर गाड़ी देनी होगी। यहाँ पे बात करें अगली पॉइंट की, तो रोड सेफ्टी बोर्ड जो है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा रोड सेफ्टी बोर्ड पर काम किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजी पर यूज किया जाएगा, और उसके तहत यहाँ रोड सेफ्टी बोर्ड बनाए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट अच्छा निकल के आया है। यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जिसके तहत यहाँ कंपलसरी है कोई से भी व्हीकल हो उसके अंदर इंश्योरेंस देना। साथ ही साथ यहाँ पे गोल्डन आवर्स के अंदर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो यहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से ईजी कर दिया गया है, और उस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ गवर्नमेंट ने बताया कि ये बिल आने से बहुत मदद मिलने वाली है इंडियन कंज्यूमर को, और यहां पे रोड सेफ्टी भी बहुत बढ़ने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक गजब का बिल आया है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको यह बिल पसंद आया कि नहीं आया, और या आप कोई और जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए, और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा। भारत माता की जय।